और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर लोगों से भाईचारे और शांति को लेकर अपील की गई है। जी हां, अटाला और रानी मंडी करैली पहुंचकर डीएम और एसएसपी ने खुद ये अपीलें की। सीए के विरोध में उग्र प्रदर्शन के बीच जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, अधिकारियों की सूझबूझ और संयम से कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसको लेकर डीएम और एसएसपी ने धन्यवाद भी दिया वहां की जनता का। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर पैदल मार्च निकाला। डीएम एसएसपी ने सभी लोगों से मिलकर सीधा संवाद किया, सभी से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने की अपील की। इस तरह से प्रयागराज में भी डीएम और एसएसपी अपने अपने दफ्तरों में नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये मीटिंग, ये बैठक, ये मजमा हमने इसलिए बुलाया है ताकि हम आपसे रूबरू होके, आपसे मुकाबिल होके ये बात कर सकें कि आप, हम सब एक ही सिस्टम में बैठे हुए हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस शहर को, इस जिले को शांति से रहने दें। और यही अपील करने हम यहाँ आए हैं आपसे कि आप ये शांति बरकरार रखें। आवाज आ रही है। दौरान वहां कार्यक्रम में डीएम और एसएसपी दोनों ही मौजूद दिखे। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शांति की अपील लोगों से की गई है। कहा गया है कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, भड़के नहीं, किसी के बहकावे में ना आए, गुमराह होकर हिंसक प्रदर्शन पर ना उतर जाएं।